हाँ तो मैं ये बता रहा था, कि जैसे मान लीजिए हम लोग के पास ये आ गया, तो हमने कहा कि वर्टेक्स लिखने का ये तरीका है, आप डी माइनस टू ए और डी अपन फोर ए करके निगेटिव निकाल सकते हैं। निकाल दिया मैंने, तो मैंने वर्टेक्स निकालना शुरू किया, कितना आ गया, माइनस ऑफ द बी अपॉन तुम्हारे पास टू ए माइनस ऑफ द डी अपॉन तुम्हारे पास फोर ए। मैंने क्या पुट करा, माइनस ऑफ तुम्हारे पास बी अपॉन टू ए। मैं क्या लेकर के आऊँ, माइनस ऑफ तुम्हारे पास माइनस टू अपॉन टू इन टू वन, ठीक है, माइनस ऑफ अपन 36 अपॉन 4 इंटू 1, राइट, ये लो निकाली, तो ये कितना आ गया, ये आ गया तुम्हारे पास 1, और ये कितना आ गया, ये आ गया तुम्हारे पास -9। इस तरीके से आप वर्टेक्स निकाल सकते। क्लियर हुआ फंडा? तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे एक्स एक्सिस में काटते हो उसे रूट कहते हैं, और इसे हम लोग तुम्हारे पास वर्टेक्स कह सकते हैं। जितना डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उतने ही बार एक्स एक्सिस में काटेगा, बस समझे। इसने कहा nth डिग्री पॉलिनोमियल, nth तुम्हारे पास डिग्री, nth डिग्री पॉलिनोमियल विल कट n टाइम्स टू इन तुम्हारे पास क्या, इन एक्स एक्सिस, n टाइम्स एक्स एक्सिस में कट करेगा, ठीक है। एंड दिस ऑल विल रिप्रेजेंट, एंड दिस ऑल विल represent, and this all will marcus represent what, this all will depend represent roots of marcus kya equation, we equation ke roots se samajh mein aaya, equation na likhe polynomial likhne zyada behtar hai, theek hai, na fayda nahi, theek hai, polynomial, theek hai bhai, agrima abhyuday utkarsh, clear hua funda, samajh mein aaya exactly hum log kaise ग्राफ हम लोग बनाने वाले हैं? यस सर, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अभी जो हम लोगों ने आज एक लेक्चर में पढ़ा, इसमें ऐसी कौन सी चीज थी जो तुमको पहले से पता नहीं थी, ये बताओ। अभी तक तुमको ऐसे कौन सी चीज थी जो तुमको पहले से पता नहीं थी, मतलब मेरे पढ़ाने से पहले इस पर्टिकुलर चैप्टर में कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हें पहले से नहीं पता थी, अभी आज अभी पता लगी, आज बताओ। अभी सारा पता था तो सारा बताओ कि हाँ सारा पता था, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सारा पता था हर एक बार बताती तो बताओ। सर पैराबोला के बाद वाला, पैराबोला के बाद वाला, अच्छा उत्कर्ष तुम्हें क्या पता लगा आज? सर पढ़ा था सर, ये सब सब पढ़ा था, मतलब सारा पता था ना पहले से, ये पूछ रहा हूँ मैं। सारा ये परफेक्ट स्क्वायर वाला पार्ट भी आता था प्रॉपरली, कैसे बोलते हैं, ठीक। यस सर, ठीक ठीक ठीक, बढ़िया बढ़िया। तो चलो हमने क्लियर कर दिया, हमने एक बार रिवाइज इसीलिए करा दिया है कि अगर आपको पता था बहुत अच्छी बात है, नहीं पता था तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे जो है कंप्लीट कर लिया है, मतलब हमने ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक भी आपको एक एग्जांपल बता दिया है, हम आपको एग्जांपल और बता देंगे। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे आपसे ग्राफ ऑफ द क्यूबिक पॉलीनोमियल, राइट। तो क्यूबिक पॉलीनोमियल ग्राफ को हम जो है यहाँ पे डिस्कस करना रहेगा, वो हम अपना नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलिए मिलते हैं। Thank you, sir.